नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। मैं हूं पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से भी लोग करोड़पति बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड से भी ये जानना बहुत जरूरी है कि करोड़पति कैसे बन सकते हैं। इसके लिए एक गणित का भी ध्यान रखना होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। पीपीएफ स्कीम पर ब्याज हासिल होता है और फिलहाल इस स्कीम पर 7.1% की दर से ब्याज दिया जाता है। इसके साथ ही इस अकाउंट में मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। लोग चाहे तो 15 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट निकाल सकते हैं या फिर अपने पीपीएफ अकाउंट को 5-5 सालों के लिए बढ़ा सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ अमाउंट में लोग अधिकतम केवल 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 7.1% ब्याज 25 साल तक लगातार 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो 25 साल तक 37.5 लाख रुपए इसमें अकाउंट होल्डर के जरिए जमा करवाए जाएंगे। इस पैसे पर 65,58,015 रुपए का ब्याज बनेगा। जब इन दोनों राशियों को जोड़ा जाएगा तो 25 साल मैच्योरिटी पर 1,03,08,015 रुपए हासिल होंगे। ऐसे में पीपीएफ अकाउंट से भी करोड़पति बना जा सकता है। तो चलिए, आप सभी देखते रहे हिमाचल अभी अभी। मैं हूँ पूजा ठाकुर, आपसे अलविदा चाहती हूँ।